फ्रेंड्स, इस विश बॉटल को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शीशे का बॉटल, एक रिबन, फेविकॉल, उसके अलावा सीजर, और मेरे पास है कैमलिन के स्केच पेंस, और उसके अलावा मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे एक छोटा सा वाइट पेपर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो शीशे की बॉटल है ये अमूल कूल की बॉटल है, और इसी को मैं रीयूज कर रही हूँ। उसका जो प्लास्टिक था ऊपर का वो मैं हटा के फिर से इसको रीयूज कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ एक वाइट पेपर, जिसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके कट कर लूंगी, और विशेस के लिए छोटे छोटे विशेस बनाने तो उस शेप का मुझे जिस साइज का चाहिए उस साइज का कट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल में भी इसको कट कर लिया था, और अब मैं इसको स्केच पेन की हेल्प से फिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ कोर्स लिख दे रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए, और देख सकते हैं ये क्यूट सा लग रहा है। फिर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी राउंड शेप में, और फिर थ्रेड इसमें बांध दूँगी। आप कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे येलो कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, और ये बस हो गया है। अब मैं इसको सीजर से कट करके ये जो शीशे वाली बॉटल थी उसमें डाल दूंगी। इसी तरीके से मैं बाकी विशेस भी लिख दूंगी, और आप बाकी अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के जो भी बाकी फ्रेंड्स हैं उनको दे के लिखवा सकते हैं, जो भी आप लोगों को सीक्रेट मैसेज देना है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं इसको भी कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी पर्सनल से मैंने लिखी थी, तो मैं इसको हाइड करके फिर आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। और बस इसी तरीके से जितनी भी विशेस है वो कंप्लीट करके इस विश बॉटल में आप लोग डाल दो, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा देखने में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये विश बॉटल कितनी क्यूट लग रही है। और उसके बाद मैंने इसमें रिबन भी लगा दिया था, और हैप्पी बर्थडे लिख स्टिक कर दिया था। तो रेडी है आपका DIY विश बॉटल, एंड आप लोग भी चाहे तो अपने फ्रेंड्स को इस तरीके से विशेस लिख के डाल के दे सकते हो, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये DIY वीडियो कैसा।